दोस्तों यहाँ पर Xiaomi का जो है ना सस्पेंड का सीजन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि तीन चार डिवाइसेस में पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन को बिना रिलीज के सस्पेंड कर दिया गया है और नए वर्जन्स को यहाँ पर रेडी कर लिया गया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर Xiaomi 11 11 आई हाइपर चार्ज के एफ के यूजर्स, Redmi 11 Prime 5G, Poco M4 5G एंड यहाँ पर Redmi K50i, ये जो तीनों डिवाइसेज है इन तीनों डिवाइस के यूजर्स के लिए यहाँ पर फिर से नए वर्जन्स को रेडी कर लिए गए हैं। अब पता नहीं ये जो नए वर्जन्स रेडी करे गए हैं कहीं दोबारा सस्पेंड ना कर दिए जाए। अब इन तीनों डिवाइसेज के नए वर्जन्स रेडी है उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ में एक डिवाइस है Redmi Note 10s, उसके लिए यहाँ पर MIUI 13 का भी एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, उन सभी की भी मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर Redmi 11 Prime 5G से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो Redmi 11 Prime 5G के लिए यहाँ पर इंडिया में जो है पहले 14.0.1.0 TLSINXM स्टेबल अपडेट यहाँ पर रेडी करा गया था 10 दिन पहले, और अभी उसको सस्पेंड करके जो है यहाँ पर न्यू अपडेट रेडी कर लिया गया है। वही चीज है, अगर एक वीक के अंदर 2 वीक के अंदर अपडेट ना रिलीज करे तो इनको सस्पेंड करना ही पड़ता है, वही चीज यहाँ पर हुई है। तो अब जो नया वर्जन रिलीज होने वाला है ना और जो रेडी करा गया, मैं आपको बताता हूँ 14.0.2.0 TLSINXM न्यू अपडेट वर्जन जो है Redmi 11 Prime 5G के लिए यहाँ पर रेडी कर लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड डिवाइस के बारे में, Redmi K50i के बारे में। Redmi K50i के अंदर भी पहले 14.0.1.0 रेडी कर लिया गया था, अब दोबारा सस्पेंड करके 14.0.2.0 जो है न्यू वर्जन यहाँ पर रेडी करा गया है। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है, 14.0.2.0 न्यू वर्जन रेडी है, बस अभी ये वर्जन सस्पेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत वर्जन यहाँ पर Xiaomi सस्पेंड कर रहा है। थर्ड डिवाइस है यहाँ पर Xiaomi 11 11 हाइपर चार्ज के एफ के वाले यूजर्स, उन सभी के लिए पहले 14.0.1.0 रेडी हुआ, फिर 2.0 रेडी हुआ, फिर 3.0 रेडी हुआ, अब फाइनल वर्जन जो है 4.0 रेडी हुआ है। आप खुद सोच लो कितने वर्जन यहाँ पर सस्पेंड हुए 11 11 हाइपर चार्ज के एफ के वाले जो यहाँ पर यूजर्स हैं। तो ये जो तीन डिवाइसेज है ना इन सभी के लिए नए वर्जन रेडी है, K50i में 14.0.2.0, Redmi 11 Prime 5G एंड Poco M4 5G के अंदर यहाँ पर MIUI 14.0.2.0 TLSINXM ये न्यू वर्जन यहाँ पर रेडी करे गए हैं, और 11 11 हाइपर चार्ज उसके लिए यहाँ पर इंडिया में जो है 14.0.4.0 न्यू अपडेट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ये चीज पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, Xiaomi ये हमेशा ऐसे कारनामे करता है। मैंने कई पास्ट में भी आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि यहाँ पर वर्जन रेडी होते हैं, खुद ही मजे ले लेते हैं उस वर्जन के और फिर उसके बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं। चीज करा गया है खुद यहाँ पर Xiaomi के डेवलपर्स ने मजे ले लिए अपडेट के और फिर उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया, और अभी नया वर्जन यहाँ पर रेडी करा गया। अब पता नहीं ये वाला वर्जन भी अगर 10 दिन के अंदर ना रिलीज किया तो इनको भी ये लोग दोबारा से सस्पेंड ना कर दे, क्योंकि अभी 10 दिन कम से कम पड़े हैं ये महीना यहाँ पर खत्म होने में, और ये 10 दिनों के अंदर अपडेट ना रिलीज हुआ तो फिर से ये अपडेट यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हर 10-12 दिन बाद ये नए वर्जन रेडी कर दे रहे हैं फिर सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो ये सिस्टम इनका चल रहा है। तो Redmi K50 यूजर्स, 11 प्राइम, पोको M4 एंड यहाँ पर Xiaomi 11 11 हाइपर चार्ज के जो यूजर है थोड़ा वेट कर लीजिए आपके नए वर्जन से रेडी होगा जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi के Note 10s के बारे में। तो Redmi Note 10s के लिए यहाँ पर इंडिया में जो है 13.0.11.0 का न्यू अपडेट यहाँ पर इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। ये नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट है, 97 MB का अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिलता है, और मार्च 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया, और ये अपडेट अभी सिर्फ मी पायलट को मिला है, पब्लिक में रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि ये अपडेट सबको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और ये अपडेट MIUI 13 का सबसे लास्ट अपडेट होगा, इसके बाद आपको डायरेक्ट MIUI 14 का अपडेट दिया जाएगा Redmi Note 10 यूजर्स जितने भी हैं यहाँ पर इंडिया में। तो Redmi Note 10s यूजर्स के लिए भी यहाँ पर इंडिया में MIUI 14 की इंटर टेस्टिंग चल रही है, लास्ट फेज में जल्दी कंप्लीट हो गए, आपको अप्रैल एंड से लेकर मई के महीने में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10s के अंदर। तो अभी आपके लिए 13.0.11.0 रिलीज हुआ है, आप लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, वो अपडेट जल्दी जल्दी यहाँ पर आपके डिवाइसेज में मिलने भी स्टार्ट हो जाएगा, अभी कुछ ही लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो यही थी बस आज के इस वीडियो में न्यूज जो कि यहाँ पर Xiaomi ने कारनामे की है। सबसे बुरा यहाँ पर यह लगता है कि भाई रिलीज तो कर दो फिर सस्पेंड करा करो ना, अंदर ही अंदर यहाँ पर रिलीज कर दोगे और फिर उसको सस्पेंड कर दोगे। इवन एक पायलट यूजर्स को भी अपडेट नहीं मिला K50i में, 11i के अंदर, चाहे ये 11 प्राइम के अंदर, बस खुद ही यहाँ पर रेडी करते हैं फिर उसके बाद उसको सस्पेंड करके नया वर्जन रेडी कर देते हैं। अगर ये 10 दिनों के अंदर दोबारा से इस वर्जन को नहीं रिलीज किए तो फिर ये लोग कहीं सस्पेंड ना करते जो अभी रेडी हुए हैं। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यही न्यूज आप सभी को देनी थी। जय हिंद।